कैसा हूँ, आप नहीं बता। काम वाम चल रहा है? हाँ काम चल रहा है, मैं कह रहा चलता हूँ, त्यागी जी अभी डांटे। ठीक है चलता हूँ, नमाज पढ़ते। लाहौल वाला बात भाई, या अल्लाह सलाम भाई, तुम इतने बड़े हो गए और जवान हो गए, तुमसे रोजा नहीं रखा जाता। तुम घर से टिफिन पैक करवाते हो और पब्लिक में छिपक कर खाते हो और कहते हो आज हमारा रोजा है। तुम्हें अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा असलम भाई। चलो इनको अल्लाह का खौफ नहीं है। आकाश ले खाना असलम, तू रोज रोज मेरे लिए कब तक ऐसे खाना लाता रहेगा? कोई और है तेरा मेरे दुनिया में अलावा? चल ले खा, ज्यादा डालेबाजी मत कर। ये मेरा गैरेज है, कोई मजाक नहीं। खाना तो खाने नहीं, लंच का दो तो ये सब समेट चल। और सुन लो, आज से मेरे गैरेज में कोई आतंकवादी ना घुस जाए। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, बल्कि असलम असलम, अगर आज तेरे माँ बाप जिंदा होते तो वो यही सोच के मर जाते तू एक मुसलमान से दोस्ती रखते। असलम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम क्यों उस लड़के के चक्कर में पड़े? दोस्त है वो मेरा, लेकिन हिंदू मुसलमान के दोस्त नहीं होते। या अल्लाह, मैं तो ये सोच रहा हूँ तुम्हारी दोस्ती कैसे होगी उससे। जान बचाई थी इसने मेरी, लेकिन वो तो हिंदू है। लोगों की सोच में अपनी भर फर्क नहीं है। तुम जैसे लोगों ने ना हमारे भारत जैसे नफरत का जहर घोल रखा है। अब नेक्स्ट डे जब असलम फिर से आकाश के लिए टिफिन लेके जाता है तब क्या होता है देखिए। आकाश आकाश, असलम तो रोज रोज मेरे लिए कब तक ऐसे खाना लाता रहे? अरे रख इसे तू। अरे वो त्यागी जी, अरे आज मेरा रोजा है। आज फिर रोजा? हाँ असलम, आज तो अलविदा का रोजा है। रोजा होता है और हाँ आज की अफ्तारी मुझे तू करवाएगा। अफ्तारी? हाँ ठीक है ना, हो जाएगा ना, चलता हूँ, नमाज का टाइम हो गया। त्यागी जी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अबे तू अबके महीने के एडवांस ले चुका, अब तुझे क्या जरूरत है? मैं ओवर टाइम करके चुका दूंगा। देख ले, ओवर टाइम 12 बजे रात तक होती है। जी त्यागी जी मैं कर दूंगा। ठीक है, तुझे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? बस त्यागी जी ऐसी कुछ जरूरत थी। त्यागी जी आज असलम का रोजा तो उसको अफ्तारी करवाना था। इधर आ। क्या हो गया? बना जैसा कि आप लोगों ने देखा, आकाश असलम की अफ्तारी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था। उसे पैसे तो मिल जाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल में। वो जैसे ही पैसे लेकर बाजार जाता है अफ्तारी का सामान लेने के लिए, कुछ चोर उसे रास्ते पर उसका पैसा छुड़ाकर भाग जाते हैं। तब आकाश रोने लगता है बैठ के, और तभी
त्यागी जी का कॉल आता है कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। आगे देखिए, हेलो हाँ कब कैसे, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर साहब क्या हुआ? आपके बेटे का ज्यादा खून बह गया है, आप और नेगेटिव खून का इंतजाम कीजिए। मैं इंतजाम करता हूँ। क्या हुआ तागी जी? अरे मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर फोन मांगा मिल नहीं रहा। कोई बात नहीं तागी जी, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, चलिए अस्पताल चलिए। डॉक्टर साहब मैं इंतजाम नहीं कर पाया खून का। घबराने की कोई नहीं है, खून का इंतजाम हो गया है। असलम नाम सलमान खान। तुम क्यों परेशान हो? त्यागी जी मैं असलम की अफ्तारी नहीं करवा पाया। अच्छा जाओ। आकाश क्या हुआ तुझे? आकाश असलम क्या हुआ? आकाश असलम मैं तेरे तुम्हें लिए क्या आकाश, मैं तेरे अफ्तारी के इंतजाम नहीं कर पा पाया। असलम आकाश आओ, अफ्तारी कर लो, अफ्तार का वक्त हो रहा है, आओ। कोई बात बैठो बैठो आकाश, असलम बैठो। तो असलम लो और लो असलम और लो। बस त्यागी जी बस हो गया। आकाश तुझे एक बात बता रही थी यार, मेरा रोजा आज नहीं था, मतलब था लेकिन टूट गया, एक बच्चे को खून की सख्त जरूरत थी तो मैंने अपना रोजा तोड़ तुझे खून दे दिया। जैसे कि हम लोगों ने देखा त्यागी जी जिस मुसलमान को आतंकवाद समझ रहे थे, जिस मुसलमान से वो नफरत करते थे, उसी मुसलमान ने उनके बेटे को खून देकर अब उनके बेटे की जान बचाई थी। और मजहब ये नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखना, हिंदी है हम बताना हिंदुस्तान हमारा। अपनी अदालत में मेरी वकालत रखना, मैं रहूं या ना रहूं मेरे हिंदुस्तान को सलामत रखना। जय हिंद जय भारत।